नमस्कार बच्चों, कल की वीडियो में हमने ए की मात्रा के बारे में पढ़ा था ना। आज हम ए की मात्रा से संबंधित पाठ पढ़ेंगे, परंतु उससे पहले हम आइए कुछ मुख्य बिंदुओं को दोहराते हैं। ए की मात्रा जब किसी व्यंजन पर लगती है तो इसका रूप बदल जाता है। यह मात्रा हमेशा व्यंजन के ऊपर लगती है। बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चित्र दिखाऊंगी। आपको उस चित्र को पहचान कर नाम बताना है कि वह चित्र किस चीज का है, किस जगह का है। तो देखिए, यह चित्र किस जगह का है? हाँ, यह चित्र मीला का है। आज हम पाठ मीला पढ़ेंगे, तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं। रमेश, मुकेश, राजेश तथा रेखा मेला देखने गए। सबने नए कपड़े पहने थे। मेले में सर्कस भी था। वे टिकट लेकर भीतर गए। सबने सर्कस देखा। रेखा ने जादू के खेल देखे। मुकेश ने जलेबी खाई। रेशमा भी मेला देखने आई थी। सब बड़े खुश थे। सूरज डूबने से पहले ही वे घर वापस आ गए। अब हम कुछ अभ्यास प्रश्नों को हल करते हैं। सुलेख, आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पे कहानी छोटी सी दी गई है, इसे आपको सुलेख के रूप में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसे देखकर आप लिखेंगे। रमेश, मुकेश, राजेश तथा रेखा मेला देखने गए। सबने नए कपड़े पहने थे। मेले में सर्कस भी था। वे टिकट लेकर भीतर गए। अब आप इन वाक्यों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चित्र देखकर नाम लिखिए। तो बच्चों, ये चित्र किस चीज का है? हाँ, ये चित्र है करेला। करेला क्या है, फल है कि सब्जी? हाँ, करेला एक सब्जी है। करेला लिखेंगे कैसे? का रा पर ए की मात्रा रे, ला पर आ की मात्रा ला, करेला। हमारा अगला चित्र है केतली। केतली कैसे लिखेंगे? का पर ए की मात्रा के, त ला पर बड़ी की मात्रा ली, केतली। हमारा अगला चित्र है ठेला। ठा पर ए की मात्रा ठे, ला पर आ की मात्रा ला, ठेला। मेज, मा पर ए की मात्रा मे, अंक बिंदी जा, मेज। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे की कविता और अभ्यास प्रश्नों को हम कल की वीडियो में हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।